हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल आर नाइटिया में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, जो हम मॉड्यूल वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। तो आज का हमारा मॉड्यूल है फोर्थ सेमेस्टर का मॉड्यूल टू, जो मॉड्यूल का नाम है सीएनसी टर्निंग। तो इसके पहले का एक भाग भी हमने आपको, जो मेरे चैनल पर वीडियो है उसका सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है टर्नर थ्योरी एमसीक्यू, टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है सीएनसी टर्निंग। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ कोड M06 बेस्ड ऑन फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के आधार पर कोड M06 का क्या कार्य होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा सीएनसी मशीन कौन सा बोला गया है कि फानुक सीएनसी सिस्टम में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एंड ऑफ द प्रोग्राम विथ रिवाइंड, मतलब प्रोग्राम के समाप्ति के बाद रिवाइंड। दूसरा ऑप्शन है स्पिंडल रोटेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जो स्पिंडल की घुमाव को घड़ी की दिशा में घुमाना। उसके बाद थर्ड नंबर का ऑप्शन है द कटिंग टूल मस्ट बी चेंज, मतलब कटिंग टूल को बदलता है। और चौथा ऑप्शन है स्विच ऑफ द कूलेंट पंप, मतलब कूलेंट पंप को बंद करता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के आधार पर कोड M06 का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द कटिंग टूल हैज टू बी चेंज, मतलब कटिंग टूल को बदलने के लिए ये जो हमारा M06 है इस कोड का उपयोग किया जाता है। किसमें? फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ G28 कोड बेस्ड ऑन फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के आधार पर G28 कोड का उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल मस्ट रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, मतलब टूल को संदर्भ रेफरेंस पॉइंट पर वापस लौटना है। दूसरा ऑप्शन है टूल मस्ट रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन सेम ही है। थर्ड नंबर का ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, मतलब जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे सर्कुलर, जो हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज में सर्कुलर इंटरपोलेशन होता है। और चौथा नंबर का ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, जो हमारा घुमाव का है, घुमाव का जो इंटरपोलेशन है जो घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में घूमता है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के आधार पर G28 कोड का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टूल हैज टू रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, मतलब टूल अपने रेफरेंस पॉइंट पर वापस लौटता है। तो जो भी सीएनसी के क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जो भी क्वेश्चन सीएनसी के आते हैं तो आप इंग्लिश में जो क्वेश्चन होते हैं उसी को ही रेफर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड द कटिंग टूल रिटर्न टू इट्स होम पोजिशन, कौन से मोड में कटिंग टूल अपनी होम पोजिशन में वापस आता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक मोड, दूसरा MDI मोड, तीसरा जॉग मोड और चौथा है रेफरेंस मोड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से मोड में कटिंग टूल अपनी होम पोजिशन में वापस आता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेफरेंस मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ MDI मोड, MDI मोड का उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम का क्रियान्वयन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है मूव द एक्सेस बाय मैनुअली, मतलब मैनुअल रूप से एक्सेस को मूव करना। तीसरा ऑप्शन है क्रॉस चेकिंग ऑफ द प्रोग्राम ग्राफिकली, मतलब प्रोग्राम की ग्राफिकल रूप से क्रॉस चेक करना। और चौथा ऑप्शन है एडिटिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा, प्रोग्रामेबल डाटा का एडिटिंग करना। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि MDI मोड का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूव द एक्सेस बाय मैनुअली, मतलब मैनुअल रूप से एक्सेस को मूव करना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDI, MDI का फुल फॉर्म क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मैकेनिकल डाटा इंप्लीटेशन, दूसरा ऑप्शन है मैनुअली डाटा इनपुट, चौथा तीसरा ऑप्शन है मॉडरेटेड डाटा इनपुट, और चौथा ऑप्शन है माउंटिंग ऑफ डायगोनल इंपैक्ट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि MDI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनुअली डाटा इनपुट। तो जो भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं मॉड्यूल वाइज, तो इसके PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है, तो उसके बाद हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड एक्टिवेट इन ऑटोमेटिक मोड, ऑटोमेटिक मोड में कौन सा कमांड सक्रिय किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क
ऑफ सेटिंग आर टेकन, मतलब काम जो हमारा वर्क ऑफ सेटिंग ली जाती है। दूसरा ऑप्शन है टूल चेंज ऑटोमेटिकली। तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड कंटिन्यूअसली। और चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम सिमुलेटेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑटोमेटिक मोड में कौन सा कमांड सक्रिय किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड कंटिन्यूअसली, मतलब प्रोग्राम लगातार चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन एडिट मोड। एडिट मोड में कौन सा संभव है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संभव है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैन रीड ओनली द प्रोग्राम, मतलब केवल प्रोग्राम पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सिमुलेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का प्रस्तुतिकरण। तीसरा ऑप्शन है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को चलाना। और चौथा ऑप्शन है प्रिपेयर ऑफ न्यू प्रोग्रामेबल डाटा एंड करेक्शन, या फिर अल्टरेशन ऑफ द अर्लियर प्रोग्राम, मतलब जो नए प्रोग्राम डाटा की तैयारी और सुधार, या फिर पूर्ववर्ती प्रोग्राम का संशोधन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एडिट मोड में कौन सा काम संभव है निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिपेरेशन ऑफ न्यू प्रोग्रामेबल डाटा एंड करेक्शन, या फिर अल्टरेशन ऑफ एन अर्लियर प्रोग्राम, नए प्रोग्राम डाटा की तैयारी और सुधार, या फिर पूर्ववर्ती प्रोग्राम का संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज्ड व्हाइल लोडिंग अनलोडिंग द वर्क पीस इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में वर्क पीस को लोड या फिर अनलोड करते समय किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिमुलेशन मोड, दूसरा ऑटोमेटिक मोड, तीसरा जॉग मोड, और चौथा ऑप्शन है एडिट मोड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वर्क सीएनसी मशीन में वर्कपीस को लोड और अनलोड करते समय किस मोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉग मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम कंटिन्यूअसली वन ब्लॉक आफ्टर अनदर ब्लॉक। कौन सा मोड प्रोग्राम को लगातार एक ब्लॉक के बाद एक अन्य ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जॉग मोड, दूसरा एडिट मोड, तीसरा एमपीजी मोड, और चौथा ऑप्शन है ऑटो मोड। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा मोड प्रोग्राम को लगातार एक ब्लॉक के बाद एक अन्य ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो प्रोडक्शन लाइन में मशीन चलते हैं तो एक के बाद एक दूसरा कंटिन्यूअसली चलता है प्रोग्राम एक बार सेट करने के बाद, वह कौन सा मोड होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑटो मोड। ऑटो मोड में क्या होता है, जो मशीन हमारा होता है प्रोडक्शन लाइन में कंटिन्यू एक के बाद एक दूसरा प्रोग्राम कंटिन्यू चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज फॉर 5 पोजिशनिंग माइक्रॉन लेवल ऑफ द एक्सिस मूवमेंट। 5 पोजिशनिंग माइक्रॉन स्तर के लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑटो मोड, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीमेंटल जॉग मोड, तीसरा ऑप्शन है एमडीआई मोड, और चौथा ऑप्शन है एडिट मोड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारा 5 पोजिशनिंग होती है, जो 5 पोजिशन होता है माइक्रॉन लेवल पर, तो उसके लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीमेंटल जॉग मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द कॉम्प्लेक्स कटिंग मोशन इन्वॉल्विंग एक्स वाई एंड जेड मूवमेंट इज कैरी आउट बाय सीएनसी मशीनिंग। सीएनसी मशीन द्वारा एक्स वाई और जेड मूवमेंट को शामिल करने वाले जटिल कटिंग गति को कैसे किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूज ऑफ जिग्स कैम्स टेम्पलेट एंड ट्रैकर्स, मतलब जिग कैम्स और टेम्पलेट और ट्रैसर्स का उपयोग करके, या फिर दूसरा ऑप्शन है स्किल ऑफ मशीन ऑपरेटर, मतलब मशीन ऑपरेटर की स्किल के सहायता से, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑप्टेन फ्रॉम ड्राइवर अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के अनुदिश ड्राइव से प्राप्त निर्देशकों का संयोजन करके, या फिर चौथा ऑप्शन है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई ऑफ द मशीन, मतलब मशीन की विद्युत सप्लाई के आधार पर। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सीएनसी मशीन द्वारा एक्स वाई और जेड मूवमेंट को शामिल करने वाले जटिल कटिंग गति को कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑप्टेन फ्रॉम ड्राइव्स अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के अनुदिश ड्राइव से प्राप्त निर्देशकों का संयोजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड। पार्ट प्रोग्रामिंग गलतियों से कैसे बचा जा सकता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनसी, मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन ओनली, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के सहायता से। दूसरा ऑप्शन है सीएनसी मशीन के सहायता से। तीसरा ऑप्शन है सीएनसी और एनसी मशीन दोनों का सहायता से। या फिर चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी अवॉइडेड इन सीएनसी मशीन, मतलब
सीएनसी मशीन में टाला नहीं जा सकता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि पार्ट प्रोग्रामिंग गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीएनसी, सीएनसी मशीन ओनली, मतलब सिर्फ जो हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो सीएनसी मशीन होता है, सिर्फ सीएनसी मशीन के ऊपर ही हमारा जो पार्ट प्रोग्रामिंग की जो गलती है इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीएनसी मशीन टूल हैज अ कंटिन्यूअस पार्ट कंट्रोल बोथ लीनियर एंड सर्कुलर अलॉन्ग एक्स वाई जेड एंड कंट्रोल ऑफ टेबल रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, सो द मशीन शुड बी कॉल्ड। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक सीएनसी मशीन टूल में एक्स वाई और जेड और एक्स और जेड एक्सिस के चारों ओर मशीन को टेबल टेबल की जो हमारे रोटेशन होती है, रोटेशन को कंट्रोल का संचालन करने वाला एक स्थिर हिस्सा होता है, इसलिए मशीन को क्या कहा जाना चाहिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2CL, दूसरा ऑप्शन है 3L 2C, या फिर तीसरा ऑप्शन है 5C, या फिर चौथा ऑप्शन है 2L 2C। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3L 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर रैपिड ट्रैवर्स। जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड रैपिड ट्रैवर्स के लिए उपयुक्त है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G00, दूसरा ऑप्शन है G02, तीसरा ऑप्शन है G03, चौथा ऑप्शन है G04। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर रैपिड ट्रैवर्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए G00। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज फॉर टूल नोज कॉम्पिटेंशन एट लेफ्ट साइड। निम्नलिखित में से कौन सा कोड बाई और टूल नोज कॉम्पिटेशन के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G40, दूसरा ऑप्शन है G41, तीसरा ऑप्शन है G42 और चौथा ऑप्शन है G32। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड बाई और टूल नोज कंपोजिशन के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी G41। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम कोड इज सुटेबल फॉर स्पिंडल रोटेशन स्टॉप। निम्नलिखित में से कौन सा एम कोड स्पिंडल रोटेशन बंद करने के लिए उपयुक्त होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है M05, दूसरा ऑप्शन है M03, तीसरा ऑप्शन है M06 और चौथा ऑप्शन है M04। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एम कोड स्पिंडल रोटेशन बंद करने के लिए उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए M05। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एम। तो यहाँ पर आपको एक जॉब का डायग्राम दिखाया गया है और बीच में आपको एम दर्शाया गया है, तो ये एम क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या संकेत दे रहा है एम, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मशीन 0 पॉइंट, मतलब ये जो एम है इसे मशीन 0 पॉइंट कहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन वर्क पीस 0 पॉइंट, मतलब जो जॉब का 0 पॉइंट है, तीसरा ऑप्शन है टूल का 0 पॉइंट, या फिर चौथा ऑप्शन है मशीन रेफरेंस पॉइंट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो दिखाए गए डायग्राम में एम क्या दर्शाता है, मतलब एम क्या संकेत देता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मशीन 0 पॉइंट, मतलब मशीन की जो 0 पॉइंट होती है वो एम के सहायता से यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेथ मशीन का जॉब है, सीएनसी लेथ का एक जॉब है जिसमें एम के सहायता से इस भाग को दर्शाया गया है, तो एम हमें क्या संकेत दे रहा है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मशीन 0 पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है वर्कपीस 0 पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है टूल 0 पॉइंट और चौथा ऑप्शन है मशीन रेफरेंस पॉइंट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो जॉब का डायग्राम है इसमें जो एम के सहायता से जो दर्शाया गया है इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्कपीस 0 पॉइंट, मतलब जो हमारा वर्कपीस का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ से 0 पॉइंट है, यहाँ से बाकी का जो भी हम प्रोग्राम इसमें लिखेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट को 0 पॉइंट पकड़ के बाकी के प्रोग्राम को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट इन एनी सीएनसी मशीन द पोजिशन मेजरिंग सिस्टम हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू ईच एक्सिस। मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी भी सीएनसी मशीन में स्थिति मापन प्रणाली के प्रत्येक अक्ष के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क 0, दूसरा टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है मशीन 0, चौथा ऑप्शन है रेफरेंस मोड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी भी सीएनसी मशीन में स्थिति मापन प्रणाली के प्रत्येक अक्ष के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मशीन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मेटल रिमूवल रेट। तो जो मेटल रिमूवल रेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000 मीटर पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है वी एस ए सेंटीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई डी रेवोल्यूशन पर मिनट, और चौथा ऑप्शन है वी एस सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मेटल रिमूवल रेट वी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वी एस ए सेंटीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीएनसी कंट्रोल सिस्टम आर यूज ऑन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में कौन सा सीएनसी मशीनों पर उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सीएनसी मशीनों पर उपयोग किया जाता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है साइमंस एंड फानुक, दूसरा ऑप्शन है एडोब रीडर एंड माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा ऑप्शन है एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट, और चौथा ऑप्शन है एमएस ऑफिस ओनली। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीएनसी कंट्रोल सिस्टम आर यूज ऑन सीएनसी मशीन, मतलब सीएनसी मशीन में कौन से कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइमंस एंड फानुक, जहां सबसे ज्यादा यही दोनों कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, साइमंस और फानुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द प्रोग्राम ब्लॉक मे बी सुटेबल टू मूव द कटिंग टूल एक्स एक्सिस 42.0 जेड एक्सिस 0.0 विद द फीड ऑफ 0.1 मिलीमीटर। किस प्रोग्राम ब्लॉक को 42.0 जेड अक्ष और 0.0 के साथ 0.1 मिलीमीटर फीड के साथ कटिंग टूल एक्स अक्ष को ले जाने के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G00 × 42, दूसरा ऑप्शन है G02 × 42, तीसरा ऑप्शन है G01 × 42, चौथा ऑप्शन है G03 × 42। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रोग्राम ब्लॉक को 42 जेड एक्सिस 00 के साथ 0.1 मिलीमीटर के फीड के साथ कटिंग टूल एक्स एक्सिस को ले जाने के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी G01 × 42 0Z00F01। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन सीएनसी लेथ मशीन। सीएनसी लेथ मशीन में एक्स एक्सिस का संकेत क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द रेडियस ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो हमारा जॉब होता है उसकी रेडियस, दूसरा द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट मतलब जॉब की लंबाई, तीसरा ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट मतलब जॉब की डायमीटर, या फिर चौथा सेंटर एक्सिस ऑफ द कंपोनेंट मतलब जॉब का सेंटर एक्सिस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था सीएनसी लेथ मशीन में एक्स एक्सिस क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ जेड एक्सिस इन सीएनसी लेथ मशीन। सीएनसी लेथ मशीन में जेड एक्सिस क्या दर्शाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट मतलब जॉब की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है द सेंटर एक्सिस ऑफ द कंपोनेंट मतलब जॉब का सेंटर एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है द रेडियस ऑफ द कंपोनेंट मतलब जॉब की रेडियस, या फिर चौथा ऑप्शन है जॉब का डायमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सीएनसी लेथ मशीन में जेड एक्सिस क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट मतलब जॉब की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द G93 कमांड डू इन सीएनसी प्रोग्रामिंग। सीएनसी प्रोग्रामिंग में G93 कमांड क्या करता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेट फीड रेट पर मिनट मतलब फीड रेट को पर मिनट में सेट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सेट फीड रेट पर रेवोल्यूशन मतलब प्रति रेवोल्यूशन फीड रेट सेट करता है, तीसरा ऑप्शन है स्पिंडल स्पीड को सेट करता है, या फिर चौथा ऑप्शन है टूल को बदलता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सीएनसी प्रोग्रामिंग में G93 कमांड क्या करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेट फीड रेट पर रेवोल्यूशन मतलब फीड रेट पर रेवोल्यूशन को सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस ऑन अ सीएनसी मशीन कंट्रोल द लेफ्ट राइट मूवमेंट ऑफ द वर्कपीस। सीएनसी मशीन पर कौन सा एक्सिस जॉब के दाएं और बाएं गति को नियंत्रित करता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस, और चौथा ऑप्शन है ए एक्सिस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सीएनसी मशीन पर कौन सा
एक्सिस जॉब के दाएं और बाएं गति को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेड एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जी 59 कमांड इन सीएनसी प्रोग्रामिंग। सीएनसी प्रोग्रामिंग में जी 59 कमांड का उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेट अ न्यू वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब नया जॉब सामान्य जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट करना। दूसरा मूव टू होम पोजीशन, होम स्थिति पर जाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टर्न ऑन द स्पिंडल, मतलब स्पिंडल को चालू करने के लिए। फिर चौथा ऑप्शन है कूलेंट को चालू करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी प्रोग्रामिंग में जी 59 कमांड का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेट अ न्यू वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जो हमारा नया जो जॉब होता है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन यूज अ लेजर बीम टू कट मटेरियल। किस प्रकार के सीएनसी मशीन मटेरियल को काटने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सीएनसी प्लाज्मा कटर, दूसरा सीएनसी वाटर जेट कटर, तीसरा सीएनसी लेजर कटर, या फिर चौथा ऑप्शन है सीएनसी राउटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि किस प्रकार के सीएनसी मशीन मटेरियल को काटने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीएनसी लेजर कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीएनसी प्रोग्रामिंग व्हाट डोज द G08 कमांड डू। सीएनसी प्रोग्रामिंग में G08 कमांड क्या करता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टर्न ऑन द स्पिंडल, मतलब स्पिंडल को चालू करता है। दूसरा स्पिंडल की स्पीड सेट करता है। तीसरा एनेबल हाई स्पीड मशीनिंग, मतलब उच्च गति मशीनिंग समक्ष करता है। और चौथा ऑप्शन है कूलेंट फ्लो को सेट करता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सीएनसी प्रोग्रामिंग में G08 कमांड क्या करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनेबल हाई स्पीड मशीनिंग, मतलब उच्च गति मशीनिंग समक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टूल प्रेजेंटर इन अ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में टूल प्रीसेटर का क्या कार्य है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ऑटोमेटिकली चेंज टूल्स, मतलब टूल को ऑटोमेटिकली बदलना। दूसरा ऑप्शन है टू मेजर एंड सेट टूल लेंथ एंड डायमीटर, मतलब टूल की लंबाई और डायमीटर को मापना और सेट करना। तीसरा ऑप्शन है टू कूल द कटिंग टूल, मतलब कटिंग टूल को ठंडा करना। और फिर चौथा ऑप्शन है टू क्लीन द वर्क पीस, मतलब वर्क पीस को साफ करना। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में टूल प्रीसेटर का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू मेजर एंड सेट टूल लेंथ एंड डायमीटर, टूल की लंबाई और डायमीटर को मापना और सेट करना। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था सीएनसी मॉड्यूल, जो हमारा मॉड्यूल वाइज हम क्लास आपको करवा रहे थे, जो हमारा मॉड्यूल का नाम था सीएनसी टर्निंग, तो इसमें हम आपको पार्ट टू जो हमारा क्लास चल रहा था जिसमें हम आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और इसी तरह के रेगुलर क्लास भी हम आगे भी करवाएंगे। तो इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।